औरंगाबाद दो पे तीन फ्री, यानी पांच चीजें लेने पे सिर्फ दो के पैसे दीजिए और 70% भी डिस्काउंट पाइए, सिर्फ और सिर्फ डिकॉट बाय डोनियर, निराला बाजार, तापड़िया सिटी सेंटर, अपर ग्राउंड फ्लोर। माने सब के अरे परिवर्तन का तूफान आया, माने सब के भाइयों हमने देखा है कि कहीं जाने की तैयारी आज से ही शुरू की जाए ताकि आए मौके पर कोई परेशानी पेश ना आए और साथ ही साथ पार्टी का भी फायदा हो संविधान के हमारे पास और अरविंद कामणे को भी शाखा अपने प्रत्येक ठिकाने न्यायालय अपने पक्षा और आज जो वर्कल गेट पे शाखा का उद्घाटन हुआ, ये तो पार्टी का मकसद है कि पूरे महाराष्ट्र में जो है तो इन शाखाओं का हमको ओपनिंग करना है। प्रदेश के पूरे दौरे पर भी हम यही चीज़ के ऊपर जोर दे रहे जगह जगह पर। और आज हमारे औरंगाबाद शहर के पदाधिकारी और खुसूसन जो है जिला अध्यक्ष जनाब प्राध्यापक अरविंद जी कांबड़े साहब जो मेहनत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इनकी मेहनत बहुत रंग लाने वाली है। क्यों कि खाली दलित समाज को लेकर या मुस्लिम समाज को लेकर बात नहीं होती, यहाँ तमाम पूरे बहुजन समाज को लेकर बात करते, फुले शाहू अम्बेडकर को जो मानते हैं उन सभी समाज के जो है लोगों को साथ लेके इकट्ठा होकर जो है बीआरएस पे काम कर रही है। चाहे अब वो महानगर पालिका के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, हम लोगों में जन जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि देश में आज़ादी के वक्त इन लोगों से अकेली आज़ादी नहीं आई थी। देश में आज़ादी लाने के लिए तमाम बहुजन समाज को इकट्ठे आना पड़ा, खुसूसन जैसा दलित मुस्लिम ओबीसी वगैरह सब ने मिल के इकट्ठा कर इस देश को आज़ाद किया है। तो अब रहा सवाल इस देश को जो है महंगाई से मुक्त करने से, तमाम जो मुद्दे हैं तमाम मुद्दों से अगर मुक्त करना है तो सबसे पहले देश को जो है मोदी शाह से मुक्त करना है। तो जब अंग्रेज़ों को हमने इस देश से हकाले हैं तो इनको हटाना कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते कि हमारे दलित ओबीसी मुस्लिम जितने भी अल्पसंख्यक लोग अगर इकट्ठा आते हैं तो ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो तमाम मसले हल हो जाएंगे, इनसे महंगाई कम करो, ये कम करो, ये कुछ करने वाले नहीं है, तो इनको कम कर दिए तो तमाम मसले हल हो जाएंगे। तो ये बीआरएस का जो है मुद्दा रहेगा कि कई दिनों से बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी औरंगाबाद शहर के 115 वार्डों में, चाहे वो दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, मराठा हो, हिंदू हो या अन्य जाति धर्म के लोग हो, हर वार्ड में बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की शाखा दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, दिन ब दिन इन शाखाओं का गठन हो रहा है। हर वार्ड में हर शाखा के अभियान के अंतर्गत आज भी बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की शाखा औरंगाबाद शहर के महत्वपूर्ण गढ़ में, जहाँ पे विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला है, इस पुतले के सामने हमने बीआरएसपी शाखा का, यहाँ पर हमारे मध्य के शहर अध्यक्ष फजलुद्दीन दादा, मध्य के शहर सचिव हमारे आमिर भाई, इनके नेतृत्व में इस शाखा का गठन किया है। मैं इस माइक से माध्यम से, इस सभा के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से मैं औरंगाबाद के कौम को, जनता को यह संदेश दे रहा हूँ कि हमने बाबा साहब के पुतले के सामने ये शाखा का ओपनिंग किया है। बाबा साहब हमारे पार्टी के तरफ उंगली कर रहे हैं और इस देश के बहुजन समाज को बार बार बता रहे हैं कि आपको स्वाभिमान की जिंदगी अगर चाहिए, आपको इस देश की सत्ता अगर चाहिए, तो आपको बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी में आना होगा, इस आंदोलन को बढ़ाना होगा, क्योंकि बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी यही ऐसी पार्टी है जो सभी जाति धर्म को लेकर बाबा साहब का, फुले शाहू अम्बेडकर का, टीपू सुल्तान का, हमारे सभी महापुरुषों का सपना पूरा करने का काम यहाँ पर औरंगाबाद में कर रही है। इसी अभियान के मार्फत हम अनेक औरंगाबाद के अनेक वार्डों में इस शाखा का गठन कर रहे हैं और आज उसी के तहत भड़कल गेटी में भी बहुत ही बड़ी तादाद के साथ, जन सैलाब के साथ इस शाखा का उद्घाटन हमने आज किया है। आज भड़कल गेट पे शाखा का उद्घाटन किया है तो आपने किन किन लोगों को पदभार दिया है? यहाँ पर हमारे शेख फजलुद्दीन दादा है जो मध्य शहर के अध्यक्ष है और शहर के जो सचिव है शेख आमिर भाई है, शहर के जो महासचिव है शेख अरबाज भाई है, ये तीन हमारे प्रमुख नेता है। इन तीनों प्रमुख नेताओं को मध्य शहर की जिम्मेदारी देते हुए मध्य शहर में जो भी 25-30 वार्ड आ रहे हैं
उस सभी वार्डों में शाखा गठन करने का अधिकार, पदाधिकारी नियुक्त करने का अधिकार इन पदाधिकारियों को हमने दिया है। कुछ दिन में जो है महानगर पालिका के इलेक्शन होने वाले हैं, आपकी पार्टी किस मुद्दे को लेकर उतरेगी महानगर पालिका के इलेक्शन? बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी हर बार दबे कुचले बहुजन समाज के लोगों के हितों के लिए जो मुद्दे हम लेकर मैदान में उतरते हैं, तो बहुत सारी शहर में समस्याएं हैं, बहुत सारी वार्ड में आज भी पीने का पानी नहीं है, बहुत सारे दलित समाज के ऐसी बस्तियां हैं जहां पर उस दलित समाज के लोगों को घरकुल नहीं है, बहुत सारे ऐसे हमारे नौजवान बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार नहीं है। हमारे पास इंडस्ट्रियल एरिया तो है मगर औरंगाबाद शहर में ही लाखों बेरोजगार का मुद्दा लेकर, घरकुल का मुद्दा लेकर, और जो भी शहर का छोटा मोटा जो भी विकास है, इन सभी विकास के मुद्दों को लेकर हम जनता के सामने यहाँ पर आ रहे हैं और आने वाले समय में इस महानगर पालिका का चुनाव हम इसी मुद्दों को लेकर लड़ेंगे। सर, महानगर पालिका में अगर मेयर बनता है दूसरी पार्टी का और आपकी जरूरत पड़ती है तो क्या आप उनको बिना सोचे समझे प्राथमिकता देंगे? देखो, वो वक्त की बात है, राजनीति में कभी भी पहले कुछ तय नहीं होता, वक्त वक्त पे वक्त के हिसाब से हम वहाँ पर वो निर्णय आपको उसी वक्त बताएंगे। सर, महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से महंगाई हो गई? देखो, देश भर में और राज्य में हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी हो या देश की शिंदे सरकार हो, इनके माध्यम से लोगों को सत्ता में आने के पहले तो बहुत सारी आश्वासन दिए, बड़े बड़े जुमले दिए, लोगों के भावनाओं का खून कर कर उन्होंने, अभी इतनी महंगाई बढ़ी है कि हमने देखा है कि स्मृति ईरानी जैसी एक नटी जो 56 रुपए जब पेट्रोल था तो वो बड़े बड़े चिल्लाकर आंदोलन करती है, मगर आज 110 रुपए 109 रुपए पेट्रोल होने के बावजूद भी स्मृति ईरानी उसके एसी के बंगले से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, विरोधी पक्ष इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी ने गए ही महीने में जिलाधिकारी कार्यालय पर हजारों लोगों को लेकर महंगाई के खिलाफ हमने आंदोलन किया है और आने वाले समय में भी हम शिंदे सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार हो, अगर आने वाले कुछ दिनों में आप महंगाई कम नहीं करते हो, पेट्रोल डीजल के भाव अगर आप कम नहीं करते हो, तो हम किसी भी शासन प्रशासन के व्यक्ति को, आमदार खासदार मंत्री को औरंगाबाद के रोड पर घूमने नहीं देंगे, ये हमारा इशारा है। सर, आखिरी सवाल है हमारा कि अगर आप इलेक्शन में महानगर पालिका के इलेक्शन में भाग लेते हैं तो आप स्वतः लड़ेंगे या किसी से पार्टी मतलब युति करेंगे और आपका नाम भी बोलिए? बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी सम विचारधारा लोग जो हमारे विचारों के जैसे ही अन्य पार्टियों के लोग हैं और जो लोग समाज का हित चाहते हैं, ऐसे सम विचारधारी लोगों को साथ में लेकर हम कम से कम 10-12 संगठनों के संपर्क में है, वो लोग भी हमारे संपर्क में है, आने वाले समय में हम इन सभी सम विचारधारी लोगों को एक बड़ी आघाड़ी बनाकर औरंगाबाद। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।